दूं। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री छीन लिया, आप कह रहे हैं 370 छीन लिया, आपका क्या, हमारा आपका, ये आपका कैसे, कश्मीर सिर्फ आपका है क्या? ये कौन सा डिबेट का तरीका कर रहे हैं आप? सिर्फ आपका है, तैयार नहीं है हमारी सोहित जी, कश्मीर सिर्फ आपका है, ये पूरे हिंदुस्तान का है? कैसे हम अपनी जम्मू कश्मीर की आवाज को चलाएंगे? कश्मीर सिर्फ आपका है, यह पूरे हिंदुस्तान का है? तो जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है? कश्मीर सिर्फ आपका है या पूरे हिंदुस्तान का है? पूरे हिंदुस्तान का है। तो बात तो सुनिए जम्मू कश्मीर के लोगों की, आप बात सुनने को तैयार नहीं है। ललित जी जो कह रहे हैं सेल्फ रूल के बारे में, मुझे बताइए ललित जी, आपने कहां पे ये पढ़ा है कि ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन होगी? क्यों पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को बदनाम कर रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर के बदनाम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को, क्यों क्यों कौन सी ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन? सेल्फ रूल कभी आपने पढ़ा है? कर रहे हैं ना, महबूबा मुफ्ती कर रही है, पढ़ा है कभी? किस तरह से महबूबा मुफ्ती कर रही है जब वो कह रही है कि दो मुल्कों के बीच में कश्मीर फंसा हुआ है? दो मुल्क मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और इस बीच में कश्मीर अलग मुल्क है क्या? आपको क्या पता है 5 अगस्त 2019 के बाद से कितने कश्मीरी पंडित को टारगेट किलिंग हुई है? इसके बारे में कभी सोचा आपने कितने कश्मीरी पंडित माइग्रेट होकर जम्मू में? राधिका केड़ा जवाब दीजिए। देखिए, आज देश की अखंडता और देश की एकता को चोट पहुंचाने वाला बयान महबूबा मुफ्ती मैडम की तौर से दिया गया है। अब वो कह रही है कि जम्मू कश्मीर दो मुल्कों के बीच में फंसा हुआ है। सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर उनको अपना हिस्सा ही अपना ही नहीं मानता है, इसलिए नतीजे ये उनको रिजल्ट मिला कि इतनी बुरी हार उनकी जम्मू कश्मीर में हुई। अभी चुनाव में जो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर टूटना नहीं चाहता, जम्मू कश्मीर अपने यहाँ पे हिंसा नहीं चाहता, जम्मू कश्मीर शांति और अमन चाहता है, जम्मू कश्मीर तरक्की चाहता है, जम्मू कश्मीर चाहता है यहाँ पे एम्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, बच्चे स्कूल जाए। जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल से उस दौर से बाहर निकला है जहां पे रोज पत्थरबाजी होती थी, रोज स्कूल बच्चे नहीं जा सकते थे, और आज स्कूल बंद होने बंद हो गए हैं, आज वहां पे पत्थरबाजी नहीं होती, आज वहां पे बच्चे स्कूल खुशी खुशी जा पा रहे हैं, आप लाल चौक पे आइसक्रीम खा सकते हैं, टूरिज्म हो रहा है, लोग आते हैं स्कीइंग करने, आप शाम को रात को प्रचार कर सकते हैं। क्या कभी सोचा था कि डोर टू डोर चुनाव का प्रचार होगा जम्मू कश्मीर में? लेकिन ठीक है, लेकिन सोहित शर्मा जी का दर्द ये है कि उनका अलग से प्रधानमंत्री, 370 का दर्जा, सब कुछ छीन लिया गया है। इनका जो दर्द है ना, इस महाशय का जो दर्द, एक तो आप बीच में चिल्लाइए मत, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, इनको चुप कराइए, ये बीच में चिल्लाए ना, और इनको इतना दर्द हो रहा है तो ये जाए पाकिस्तान, इनके लिए कोई जगह नहीं है हिंदुस्तान में, जो यहाँ पे दूसरा प्रधानमंत्री मांग रहे हैं और दूसरा सब कुछ मांग रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रही हूँ, इनको अगर ये सब चाहिए तो ये पाकिस्तान चले जाए, हिंदुस्तान एक है, एक प्रधानमंत्री और एक ही झंडा, एक ही तिरंगा, और हम सब एक है, आपको दो चाहिए तो जाओ पाकिस्तान, आपके लिए कोई जगह नहीं है हमारे देश में, इनको चुप करा दीजिए, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगी। राधिका को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, काउंटर करना चाहते हैं तो राधिका प्लीज कंटिन्यू। मैं बहुत जिम्मेदारी से आज आपके चैनल पे ये बात कह रही हूँ, अगर इस महाशय को दो दो झंडे चाहिए, इस महाशय को जम्मू कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री चाहिए, तो ये पाकिस्तान जा सकते हैं, और मैं इनको बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ। महबूबा मुफ्ती जी की पुश्ते ही पुश्ते आ जाए, देखिए ये फिर बीच में बोलेंगे। मुझे लगता है ऐसे अराजक तत्वों को और एंटी नेशनलिज्म, चाहता नहीं हूँ कि आपका ऑडियो डाउन करूं, लेकिन बीच में बोलेंगे तो डाउन करना पड़ेगा। एक बार राधिका को बोलने दीजिए, वो 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर रही है, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, आपको भी दूंगा 30 सेकंड में। राधिका, मेरी ऐसे ही गुहार है एमबीटी को कि ऐसे एंटी नेशनलिस्ट और एंटी भारत तत्वों को जगह ही नहीं, मीडिया स्पेस ही नहीं देनी चाहिए, जो एक अलग प्रधानमंत्री की डिमांड कर रहे हैं, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कर रही हूँ। मुफ्ती मैडम की आगे जितनी भी पुश्ते आ जाए, कोई भी आ जाए, 370 दोबारा नहीं आएगा, ये देश की अखंडता एक रहेगी। आप जैसे लोग जितनी कोशिश कर ले, जाए पाकिस्तान, हमारे देश में आपकी जरूरत नहीं है। जो प्रधानमंत्री अलग मांगे वो पाकिस्तान जाए, मानिए उनको अपना प्रधानमंत्री, यहाँ से चलिए, आपके लिए कोई जगह नहीं है। जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए, जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए, अगले मेहमान के पास जाऊंगा, 30 सेकंड जो हमारे सेकंड में जवाब दीजिए, के बीच में बोलती रहूंगी, क्योंकि ये एक बार तो झूठ बोलोगे तो हम भी नहीं बख्शेंगे आपको। क्या झूठ है बताइए ना सोहित, अब बताइए, एक सेकंड राधिका, अब उनको एक बार 30 सेकंड बोलने दीजिए। सोहित शर्मा 30 सेकंड में दे रहा हूँ,
उसके बाद मत कहिएगा कि मुझे वक्त नहीं दिया, 30 सेकंड में बोलिए क्या कहना। देखो बात ऐसी है, मैं सभी पैनल से एक बात कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, देखो ना ही हमें कोई प्राइम मिनिस्टर चाहिए, ना ही हमें कोई परमानेंट सिस्टम चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा स्पेशल स्टेटस था, जिसमें हमारा एक स्टेट सब्जेक्ट था, जैसे हिमाचल को है, जैसे नॉर्थ ईस्ट को है, जैसे हमारा लैंड से व्यक्ता हम है, क्यों और चाहिए जो भाई? बीजेपी के प्रवक्ता है, क्यों चाहिए आपको? बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी मुफ्ती मैडम की पार्टी ही नहीं चाहिए, आप क्या चाहेंगे? जम्मू कश्मीर की जनता को महबूबा मुफ्ती नहीं चाहिए, लोगों ने चुनाव के नतीजों में कह दिया, चलिए जाइए पाकिस्तान। लोगों ने तो बदनाम करके रख दिया जम्मू कश्मीर को, आप लोगों ने कहां लेके जा रहे जम्मू कश्मीर को? ठीक है मोहम्मद अयाज, मैं अरे क्लियर करता हूं, तुम लेकर आए पत्थरबाजी, तुम लेकर आए जम्मू कश्मीर के हालात सबसे बदतर कर दिए, देश विरोधी तो टारगेट किलिंग जो है इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए ना कितनी आई है जम्मू कश्मीर की, इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं है जाओ पाकिस्तान। इमरान मोहम्मद इमरान कासमी, अब एक सेकंड रुक जाइए, सोहित आप भी रुकिए और राधिका आप भी। मोहम्मद इमरान कासमी, क्या ये चुनाव में हार का दर्द है या पीडीपी की सोची आई है, या पीडीपी को लग रहा है कि अगर हम अलगाववाद के रास्ते पर रहेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव आगे होने वाले हैं उसमें अपनी जगह बना पाएंगे, या कश्मीर अब आगे निकल गया है 370 से और तमाम तरह की वहां पर जो व्यवस्था थी उससे आगे निकलकर अब विकास की तरफ डेवलपमेंट की तरफ बढ़ गया है, ये पीडीपी को नहीं भा रहा है, महबूबा मुफ्ती को नहीं भा रहा है? देखिए महबूबा मुफ्ती जी ने ये स्टेटमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में दिया किसमें नहीं दिया मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, वो उनके प्रवक्ता हैं या उनकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा वो खुद बताएंगे, लेकिन कुछ चीजें जो यहाँ पे उठे मैं उस पर जरूर बात करना चाहता हूँ। देखिए मुझे उम्मीद है जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट हैं वो दो मिनट आराम से सुनेंगे, जैसे मैंने सबको सुना वैसे वो भी सबको सुनेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लिए क्या सोचती है वो उनके सामने आए। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का अमल दखल जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से है, वो इस स्टेट को डिस्टर्ब करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। उनके ही इसी अमल दखल से आप देखेंगे कितने लोग अपने यहाँ पे जान गवा बैठे हैं, यहाँ पे हालात बद से बदतर कर दिए उन्होंने, उन्होंने तब पर अभी हमें थोड़े दिन पहले ये भी दिखा दिया कि यहाँ पे अभी भी जो हालात है वो साजगार नहीं है, लेकिन अब हमने उनको नहीं देखना, हम जिस मुल्क में हैं, हम जिस मुल्क में हैं हमें उम्मीद अपने मुल्क की गवर्नमेंट से है। जो कुछ हमारे पास आपको लग रहा है कि महबूबा मुफ्ती का बयान पाकिस्तान परस्ती है और हिंदुस्तान के खिलाफ है और कश्मीरियों के खिलाफ है? नहीं देखिए मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता हूँ, क्यों नहीं जाना? उनका स्टैंड क्या है वो आपका स्टैंड क्या है वो पूछ रहा हूँ ना काजी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ महबूबा मुफ्ती के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है? नहीं मैं ये बोल रहा हूँ आपको, पहले जो यहाँ पे सवाल उठे हैं मैं पहले उनको, अभी बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे बोल रहे थे कि क्यों आपको स्पेशल स्टेटस चाहिए, मुझे ये बताइए जब स्पेशल स्टेटस की बात गुजरात में आती है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए मोहम्मद इमरान, मैं पूछ रहा हूं। बात सुन लीजिए जब हिमाचल में, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए ना, आप खुद ही सवाल कर रहे हैं और राधिका पर क्यों चले गए? अभी अभी पीडीपी की तरफ से जो बयान आया उस पर डिबेट कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या महबूबा मुफ्ती के बयान से आप सहमत हैं, आपका स्टैंड आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इस बयान पर? नहीं नहीं उनका उन्होंने क्या बोला एग्जैक्टली मैंने सुना नहीं, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो इन्होंने बड़ी सही कही कि जम्मू कश्मीर पिस रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग पिस रहे हैं। सुनिए वैसे तो पढ़ के बैठ के बैठना चाहिए था आपको, पता होना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, लेकिन मैं सुना देता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग दो मुल्कों की दुश्मनी में फंस गए हैं, लोगों की जिंदगी संपत्ति बर्बाद हो रही है, दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर उसका शिकार हो रहा है। देखिए जम्मू कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया है, इसमें कोई शक नहीं है, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं, हमें हमारे पास जो राइट्स हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, ठीक है उसमें कोई शक नहीं है। हाँ ये बात जरूर है कि यहाँ नुकसान जो हो रहा है इस लड़ाई में वो जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान हो रहा है। ठीक है ए, ए, राधिका राधिका कुछ जवाब देना चाहती है, आ रहा हूं मैं ललित जी आपके पास जा रहा हूं, राधिका 30 सेकंड लेट मी कंप्लीट हो गया ना सर, आप अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, सारा समय इन्हीं को देते रह रहे हैं, नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, आप भी अभी भी ऐसा लग रहा है कि अलगाववाद के राह में भटक रहे हैं, उसी रास्ते में भटक रहे हैं।
आप इसमें खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं महबूबा मुफ्ती। मुझे एक चीज बताइए, अरे खुलकर आप विरोध करते तो समझ में आता कि आप उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर हिंदुस्तान है, लेकिन आप बगल वाला को दूसरा रास्ता चुनना चाहते हैं। राधिका जवाब देना चाहते हैं। राधिका 30 सेकंड। कैसे सुनना चाहते हैं आप? अब रुक जाइए प्लीज। देखिए आप जी, मैं उम्मीद करती हूँ मैं किसी के बीच में कभी नहीं बोलती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ ये यहाँ पे बैठे हुए बाकी लोग नहीं बोलेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये मोहम्मद इमरान क्या बोल रहे हैं। राधिका आप बोलिए, अरे ये मोहम्मद इमरान का ऑडियो दीजिए मुझे। देखिए ये पार्टी बहुत, नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ही कंफ्यूज्ड है। हमने देखा था चुनाव के पहले उनका जो मैनिफेस्टो था उसमें मेन मुद्दा ये था कि हम 370 वापस लेकर आएंगे। जैसे ही उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं और जैसे ही उनकी मेजोरिटी आई, देखिए ये मैं बीच में, मैं आई एम सॉरी आई कैन नॉट डिबेट लाइक दिस, मैं यहाँ पे शाउटिंग मैच के लिए नहीं आई हूँ। आप या तो इनका ऑडियो डाउन कर लीजिए या मैं चली जाती हूँ, ये तरीका नहीं है। मैं यहाँ पे चीखने चिल्लाने नहीं आई हूँ, सॉरी। बोलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम 370 को वापस लेकर आएंगे। जैसे ही सरकार बनती है, उमर अब्दुल्ला साहब का पहला स्टैंड था वो तो हम कर ही नहीं सकते, ये बात हम लगातार कह रहे थे। इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा देके जो उनके वोटर्स थे आए। दूसरी बात, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ, भारत की हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और वो बहुत जरूरी है कश्मीर की तरक्की के लिए। अब यहां पे आके इनके प्रवक्ता ताल से ताल मिला रहे हैं मुफ्ती जी के साथ, तो अब मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर श्री उमर अब्दुल्ला साहब को ये आके क्लियर करना पड़ेगा कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है। क्या वो स्टैंड है जो वो बोलते हैं कि मैं सेंटर के साथ काम करना चाहता हूं, हम पीस अमन शांति और प्रोग्रेस चाहते हैं कश्मीर में, या उनका स्टैंड वो है जो आज इनके प्रवक्ता यहां पे आके कह रहे हैं और महबूबा मुफ्ती के बयान से ताल मिला रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, जब इस बार उमर अब्दुल्ला साहब ओथ ले रहे थे तो दिल को बहुत तसल्ली मिल रही थी, दिल को बहुत शांति मिल रही थी ये देखकर कि एक तिरंगा उनके पीछे खड़ा था, एक तिरंगा लहरा रहा था, वरना हर बार दो दो फ्लैग लहराते थे और कभी भी वो भारत के संविधान के नाम पर ओथ नहीं ली जाती थी। आज भारत के संविधान के नाम पर ओथ ली गई, हर भारतीय का, हर कश्मीरी का, हर जम्मू कश्मीर के हमारे साथी का, सबका सर गर्व से उठ रहा था कि पहली बार कि पाकिस्तान कहीं इन्वॉल्व नहीं था और यहां पे इतने शांति से चुनाव हुए, इतने शांति से चुनाव हुए, आगे शांति और अमल रहे, आगे प्रोग्रेस हो। पर ये लोग अपनी राजनीति के चलते जम्मू कश्मीर को पहले भी बर्बाद करते आ रहे थे, आगे भी करना चाहते।